प्राइस इसकी 1500 है, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इनके ऑफिशियल पेज से तो फिर आपको डिलीवरी चार्जेस डाल के आपको 1700-1800 का मिलेगा। एंड रिव्यूज सुन के जिन लोगों के माइंड में ये है कि ये बहुत बुरा है, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हिराशाम। और जैसा कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और सनब्लॉक आपको पता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सनब्लॉक कौन कौन यूज़ करता है और कौन कौन नहीं करता, तो वो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करना है आपने मुझे। अगर पाकिस्तानी ब्रांड की बात की जाए तो ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर का है, सनब्लॉक ग्लो SPF, और ये क्लेम करता है कि एवरीडे टिंटेड सनस्क्रीन फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ऑल स्किन टाइप्स। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए तो नहीं है, ये ड्राई स्किन वाले ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें SPF 60 के साथ है ये, और सारे इसके इंग्रेडिएंट्स पीछे लिखे हुए हैं, सारा कुछ आप इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसका पीछे। कुछ मंथ पहले इसके बारे में तो बहुत बुरे रिव्यूज आ रहे थे, बहुत लोगों ने बुरे रिव्यू किए हुए थे और मैंने भी खुद भी देखे थे, लेकिन इन्होंने ना अपना फॉर्मूला चेंज किया है, पहले कुछ और था अब, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ये टिंटेड है सनब्लॉक, वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रेवलर की विटामिन सी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सनब्लॉक बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी पिंकिश सी टोन है, लेकिन लगा के ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, तो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये देखे बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ा इसने, बहुत ही अच्छा है। ये है कि आपको थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, लेकिन वाइट कास्ट नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। तो मेरा ये पर्सनल रिव्यू है, इन्होंने अपना फॉर्मूला चेंज किया है तो अब बहुत अच्छा है ये। एड रिव्यूज सुन के जिन लोगों के माइंड में ये है कि ये बहुत बुरा है, तो वो अब परेशान ना हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और मुझे इसके पैसे नहीं मिले हुए, मुझे मेरा पर्सनल रिव्यू है इसके बारे में। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपने अब लिया है कि आपने एक साल पहले लिया था, क्योंकि वो कुछ और था और अब कुछ और है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।